हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोबिक फ्रॉम लीगली ओबीसी क्रिएशंस। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर किसी बिजनेस को ऑनलाइन ग्रोथ करना चाहते हैं। तो उसका ये एक अलग से टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो हो रहा है। ये वीडियो टॉपिक है सेल्स फनल। हम लोग बहुत बार सुने हैं कि सेल्स फनल होता क्या है, या फिर सेल्स फनल में काम क्या क्या होता है, सेल्स फनल करने से क्या फ़ायदा होता है। ये वीडियो में ये सब जानेंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू। पहले से ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अंत में एक ट्विस्ट भी होगा इस वीडियो के अंत में। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो पूरा वीडियो देखिए, एडुकेटेड होइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जिस टॉपिक के ऊपर आज बात करूँगा ये है सेल्स फनल। तो ये फाइनल्स हम लोग आज बात करेंगे। पहले आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट में ये फाइनल्स कितने दिन से हो रहा है, या फिर जो ऑलरेडी एक फाइनल्स हम लोग जानते हैं जो बोलते हैं ओल्डर या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग फाइनल्स। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो फाइनल्स होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा एक चार्ट बना हुआ है, तो जिसका नाम है मार्केटिंग सेल्स फनल ओल्डर। तो ओल्डर मतलब ये इतने दिन से ये मार्केटिंग सेल्स फनल। मार्केटिंग जो टॉपिक है इधर, जो मार्केटिंग टॉपिक है, मार्केटिंग जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो माफ करिएगा क्योंकि ये एक व्हाइट बोर्ड है, तो इसलिए इधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट अगर आप ध्यान से बात सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मार्केटिंग टॉपिक है, ये मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मार्केटिंग बहुत ही डीप नॉलेज देते हैं। तो मार्केटिंग होता क्या है ये आपको पहले जानना पड़ेगा। मार्केटिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का, ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है, इस प्रोडक्ट और सर्विस को एडवर्टाइज करना। कहाँ एडवर्टाइज करना? कहाँ? जहाँ लोगों के पास, लोगों का ट्रैफिक है, लाइक बस स्टैंड हो सकता है, रेल स्टेशन हो सकता है, या फिर किसी चाय दुकान हो सकता है, या फिर जहाँ जहाँ पैसेंजर्स होता है, जहाँ जहाँ लोग होता है। आजकल आप देख पा रहे हो कि रोड साइड में, या फिर जो ऑलरेडी हो रहा है, तो जहाँ लोग है उधर ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है इसको बोलते हैं विज्ञापन या फिर प्रचार। किसी भी जो टर्म्स होता है उस टर्म्स के अंदर आप जो समझे हुए वही आपको लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट और सर्विस को एडवर्टाइज करना, और इधर जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ लोग है, उसके पास ये प्रोडक्ट और सर्विस को दिखाना, प्रचार करना, इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बाद आता है सेल्स। तो उसके लिए एक चार्ट होता है, उस चार्ट को आपको दिखाएंगे, उस चार्ट के ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये फाइनल्स, फिर आता है फाइनल्स। ये फाइनल्स क्या होता है? फाइनल्स होता है, मान लीजिए आप चाय पी रहे हो, ठीक है। तो चाय पी रहे हो, जब हम लोग जब चाय करते हैं, जो चाय होता है उसके अंदर चाय पत्ती और इधर शुगर ये सब देने के बाद, वाटर ये सब देने के बाद उसका चाय बनता है, ठीक है। बट चाय जब हम लोग पीते हैं उसके लिए एक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, छाकनी, या फिर इसको बोलते हैं फानेल, या फिर आप देखिएगा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एक
फाइनल के अंदर वो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो एकदम काम में आएगा उसी को इस फाइनल के अंदर देते हैं, फिर इधर आपका वो भरता है, राइट। तो ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं फाइनल। फाइनल आपको हेल्प करता है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों के पास पहुंचाने के बाद उस उन लोगों में से ही जो लोग इंटरेस्टेड है, जो डिजायर्ड है, जो इसको लेना चाहेंगे, उसी को आपका बिजनेस के अंदर या फिर आपका कंपनी के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एंगेज कराना, इसको बोलते हैं फाइनल्स। तो क्लियर हुआ आपका ये टॉपिक? अगर क्लियर हो गया कि फाइनल्स होता क्या है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो ये है फाइनेंस जो मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग फाइनेंस इतने दिन से चल रहा है, तो एक बार इधर आपको क्लियर कर देंगे। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, सो ये रेस हो रहा है। सो चलिए देखते हैं। आप तो इधर लिखा हुआ है मार्केटिंग सेल्स फाइनल ओल्डर। तो पहले जमाने में या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सेल्स फाइनल होता था उसके लिए चार टॉपिक होता था। तो उसके लिए क्या बोलते हैं उनको? ए आई डी और सी, ए आई डी सी, जो ओल्डर होता है, मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फाइनल होता है। फाइनल के ऊपर बहुत सारे बिजनेसमैन काम नहीं करते, बट जो बिजनेसमैन एक्चुअली मार्केट में बिजनेस कर रहा है, जो एक्चुअली बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझना बहुत जरूरत है। तो AIDC, AIDC का मतलब क्या होता है? देखिए लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अवेयरनेस, अवेयरनेस, फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आता है डिजायर, फिर आता है कन्वर्ट। ये जो चार टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर, ये जो चार टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर मार्केटिंग सेल्स फाइनल काम होता है। जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर फिजिकल मार्केटिंग जो आज से इतने दिन चल रहा है तो उसी के ऊपर ये फाइनल काम करता था, बट आज जमाना चेंज हो गया, उसके लिए भी एक टॉपिक आएगा, नो प्रॉब्लम, देखते रहिए। तो इधर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब ट्रैफिक जेनरेट करना, ट्रैफिक जेनरेट। देखिए इधर लिखा हुआ है ड्राइव ट्रैफिक। तो अवेयरनेस का मतलब है कि लोगों को अवेयर करना कि मेरा ये प्रोडक्ट है और सर्विस है, आप मेरा ये बिजनेस, आपका ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए आप मेरे से आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये होता है अवेयर करना। मान लीजिए आपके पास, आप क्या कर रहे हो, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मान के चलते, या फिर आप किसी सर्विस एजेंसी के पास है, या फिर आप किसी प्रोडक्ट, एक शॉप खुला हुआ है जिस शॉप में एक स्टेशनरी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी है, तो उनके लिए देखिएगा टीवी में मार्केटिंग चल रहा है या फिर रोड साइड में मार्केटिंग चल रहा है, बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। ये जो पोस्टर बैनर इधर लगा हुआ है उसके लिए जो लोग देख रहे हैं उसके देखने के उसको देखने के बाद उसको देखने के बाद उसको देखने के बाद क्या होता है, लोगों को इंटरेस्ट जगता है, ठीक है। तो देखिए पहले अवेयर हो रहा है, पहले लोग देख रहा है, फिर इंटरेस्ट जग रहा है। इंटरेस्ट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स क्यों हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत सस्पेक्शियस बात है या फिर सस्पेक्ट है, तो सस्पेक्ट है कोई कंफर्म नहीं बट वो इंटरेस्टेड है।
बट इंटरेस्टेड है, ये हम लोग जानते हैं कि वो इंटरेस्टेड है बट वो सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट्स के बाद वो लोग इंटरेस्टेड हो रहा है, इंटरेस्टेड होने के बाद वो लोग क्या करते हैं और भी जानना चाहते हैं। जब जानने जानेगा आपका बिजनेस के साथ वो बात करेगा, आपका आपके साथ जब बात करेगा वो होगा डिज़ायर के अंदर। डिज़ायर के अंदर उनका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए वो जानना चाहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जब वो जानना चाहेगा उन टॉपिक को बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट्स हो गया और आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट्स ओके, तो प्रोस्पेक्ट्स आ रहा है, प्रोस्पेक्ट्स के अंदर वो पूरा क्लियरिफिकेशन करेगा। फिर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर जब क्लियर हो जाएगा फिर आएगा कन्वर्ट। तो इधर बोल रहा है कि टॉक एंड कन्विंस कस्टमर्स टू परचेस, तो परचेस करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस है 2000 रुपीज या फिर 200 रुपीज या फिर 500 रुपीज, तो ये पैसा दे के और जिन जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको लेगा, ठीक है। तो उसको उस टॉपिक को बोलते हैं कन्वर्ट या फिर कन्वर्सन। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि कन्वर्सन आ रहा है, तो वो जो पैसा दे के ले रहे हैं या जो रिजल्ट आ रहा है तो उसको बोलते हैं कन्वर्ट। अब देखिए फाइनल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ये है फाइनल का स्ट्रक्चर। देखिए एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा एक डिजाइन हुआ है वो है। तो ये क्यों, इसका मतलब अवेयरनेस में मान लीजिए, अवेयरनेस में मान लीजिए 50,000 लोग देखा हुआ है, 50,000, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट, 50,000 लोगों में से 50,000 लोग ही इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग मान के चलते हैं 30,000 लोग, 30,000 लोग, 50,000 लोगों में से पूरा ये नहीं दिखेगा, तो 30,000 लोग, 30,000 लोग ये आपको क्लियर करेगा कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। 30,000 में से जो लोग डिजायर में आएंगे उस 30,000 लोग में से ही डिजायर में नहीं आते, तो उसके लिए क्या होता है, मान के चलिए 10,000 लोग, 10,000 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। 10,000 लोग डिजायर में आएंगे, फिर मान के चलिए कि 200 या 500 लोग ये खरीदेगा या फिर इसको पैसा देके प्रोडक्ट और सर्विस को लेगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये है। फिर अवेयरनेस स्टेज में बहुत सारे लोग देखते हैं, इंटरेस्ट में कुछ लोग जो आउट हो जाते हैं, फिर डिजायर में और भी लोग आउट हो जाते हैं, जो लोग एकदम सही से आता है प्रोस्पेक्ट्स उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है मार्केटिंग फनल, मार्केटिंग सेल्स फनल्स जो इतने दिन से चला आ रहा है। बट आज तो जमाना चेंज हो गया है, कौन सा जमाना आ गया, डिजिटल जमाना। आज हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन या फिर लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन ये सब होता है, वो यूट्यूब में होता है, फेसबुक में होता है, गूगल में होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में होता है, गेम खेल रहा है, तो सारे जो प्लेटफॉर्म है उसके पास जो भी टॉपिक्स होता है उनके पास जो एड्स शो करता है उस एड्स के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस आजकल एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है, तो उसके लिए एक फाइनेंस होता है, उसका नाम क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स फाइनेंस। डिजिटल मार्केटिंग सेल्स फाइनेंस जो आज के डेट में काम आएगा, जो आज के डेट में आपको क्लैरिफिकेशन आएगा, तो एक बार उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मार्केटिंग सेल्स फनल जो इतने दिन चला रहा है, तो मार्केटिंग सेल्स फनल होता क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लिए एक मास्टर क्लास आएंगे, मास्टर क्लास उसके लिए आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग जो एडवांस लेवल का कोर्स है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और हम लोगों का एक प्राइवेट वीडियो भी होगा तो उनके अंदर इनका मास्टर क्लास आएगा। तो चलिए देखते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग सेल्स फनल, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं।
सो अब आता है अब आता है डिजिटल मार्केटिंग सेल्स पैनल। तो डिजिटल मार्केटिंग सेल्स पैनल, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग सेल्स पैनल के अंदर क्या क्या आपका आएगा? अवेयरनेस, एंगेज, कैप्चर एंड नर्चर एंड कॉन्वर्ट। तो अवेयरनेस, एंगेज, कैप्चर एंड कॉन्वर्ट, ये जो चार टॉपिक है, इस चार टॉपिक के ऊपर ये फाइनल काम करता है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये जो चार टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग काम करेगा, ठीक है। सो क्या है, अवेयरनेस टॉपिक के अंदर आएगा ट्रैफिक जेनरेट करना। तो इधर दिखा लिखा हुआ है ट्रैफिक जेनरेट करना, मतलब मान लीजिए आप फेसबुक में ऐड चला रहे हो, या फिर गूगल में ऐड चला रहे हो, या फिर यूट्यूब में ऐड चला रहे हो, या फिर पिंटरेस्ट, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उधर आपका ऐड चल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट चलने के बाद उनके पास अवेयर हो रहा है, लोगों को अवेयर हो रहा है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, हम लोगों का ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप ये लेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो अवार्ड हो रहा है, लोग अवार्ड होने के बाद एंगेज हो रहा है। एंगेज कैसे हो रहा है, मान लीजिए एक लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के अंदर आप अवेयरनेस के बाद उनको लैंडिंग पेज में विजिट कर रहे हो। तो लैंडिंग पेज LP अभी लिख रहा हूं, तो ये आपको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल लैंडिंग पेज, इधर जो लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज के अंदर वो आ रहा है, उधर जाके वो पूरा देख रहा है, एंगेज हो रहा है, ठीक है। एंगेज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनके पास जो लीड्स, उनका जो लीड्स होता है, उनका लीड्स क्या, लीड्स के अंदर क्या क्या है, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका पूरा डिटेल्स, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। फिर उसको क्या होता है, उसको कैप्चर होता है, ठीक है। कैप्चर, कैप्चर होने के बाद जो हम लोगों के पास डिटेल्स आ जाता है कि ये लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ये लोग उनको इंटरेस्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, नार्चर करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, SMS मार्केटिंग करेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे। हम लोगों का जितना भी कंटेंट होगा, वीडियो होगा, या फिर हम लोगों के पास जो भी प्रूफ होगा, हम लोग उन कस्टमर को, या फिर जो इंटरेस्टेड दिखाया है, जो ऑलरेडी लीड्स दे के हम लोगों के पास आया है, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे नार्चर करेंगे। नार्चर मतलब मान लीजिए आप किसी भी, आपका पास जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, एक बार में ही तो सब सब खरीद खरीद नहीं खरीदा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नार्चरिंग करेंगे, बहुत बार उनको पास मैसेज पर शेड्यूल करेंगे कि इस टाइम में उनके पास मैसेज जाएगा। तो ये जो नार्चरिंग प्लेटफॉर्म है, ये नार्चरिंग करने के बाद वो होता है क्या, कन्वर्ट। तो मान लीजिए अवेयरनेस स्टेज में वो देख रहा है, सेम मान के चलते हैं 50,000। फिर एंगेज में आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, तो 40,000 मान के चलते हैं। उधर से मान लीजिए 10,000 लोग इधर कैप्चर हो रहा है नर्चरिंग करने के लिए। फिर कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए 1,000 लोग। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं। तो ये फनल्स ऐसे काम करता है कि अवेयरनेस, एंगेज, कैप्चर एंड नर्चर एंड कन्वर्ट। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग सेल्स पैनल। बहुत सारे लोगों का मन में है कि सेल्स पैनल होता क्या है, तो ये एक बेसिक नॉलेज है सेल्स पैनल के ऊपर। अगर आपको एडवांस लेवल का सेल्स पैनल या फिर एडवांस लेवल का डिजिटल मार्केटिंग जानना है, तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में मैं ब्लॉग्स भी देता हूँ बंगाली में, एंड रिव्यूज़ भी देता हूँ, एंड हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, या फिर यूट्यूब प्रमोशन, या फिर टेक्निकल, या फिर प्रोमोशन जो प्रोफेशनल चैनल होता है, इस टॉपिक्स के अंदर आपको
इस चैनल में मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हम लोगों का जितना भी सोशल मीडिया पेज है ये आप फॉलो कर सकते हो, और अगर कुछ हम लोगों के साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप या फिर कॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा नंबर, उस नंबर में आप कॉल कर सकते हो। और अगर डिजिटल मार्केटिंग बेसिक से एडवांस लेवल का आपको सीखना पड़ेगा तो हम लोगों का जो जो कोर्स फीस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो एडवांस लेवल का कोर्स जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, डेमो क्लास भी अवेलेबल है। और डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। तो अगर आपका ये सब क्लियर करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्रैक करना है, डिजिटल मार्केटिंग से करियर बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस करना है, तो अभी हम लोगों के साथ जुड़िए। सो आज का ये जो टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग सेल्स पैनल और मार्केटिंग सेल्स पैनल, ये दोनों का आपको फर्क बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो चुका है। अगर कुछ मेरे से या फिर आपके पास कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो या फिर हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो आज इतना ही, आज भीतर इस वीडियो में मैं जस्ट ये क्लियर कर दिया। अगर कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और भी नॉलेज मिलेगा फनल के ऊपर, और एक मास्टर क्लास भी आने वाला है, बट आपको एडवांस लेवल में इसके डीप में जाने के लिए आपको हम लोगों का कोर्स करना पड़ेगा। तो इस कोर्स का प्राइस भी बहुत ही लो है एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल है। सो इसलिए आप हम लोगों के साथ ये जोड़ के सीख सकते हो, इनकम कर सकते हो। सो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसके लिए अपडेट रहिए। थैंक यू।